इस्लामिक सप्लीमेंट्री स्कूल या मदरसे मदनी मस्जिद ब्रैडफोर्ड के इस स्कूल की तरह बरतानिया भर में फैले हुए हैं, जहां मुसलमान बच्चे स्कूल के बाद अपनी तालीम के साथ साथ दीगर उलूम की भी ट्यूशन लेते हैं। 9/11 और 7/7 के धमाकों के बाद रवायती मदरसों में हासिल की जाने वाली तालीम पर मीडिया में खासी तनकीद की जाती है, लेकिन मदरसों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मदनी मस्जिद ब्रैडफोर्ड जदीद तालीमी जरूरतों के तहत बच्चों और बच्चियों की तालीम के हवाले से मुतअद्दद बार मुख्तलिफ अदारों की जानिब से तारीफी इसनाद हासिल कर चुकी है। हमारी कोशिश है कि हमने चूंकि अब यहाँ रहना इसी मुल्क में, तो हमारे बच्चे न सिर्फ दुनिया की तालीम बल्कि साथ साथ दीन और कुरान की तालीम भी हासिल करके इस कम्यूनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छे शहरी साबित हो सके। लेकिन बहुत सारी मसाजिद और मदरसों में अब भी जनूबी एशिया से आए मुअल्लिमों के रवायती तदरीसी तरीकों की वजह से आए दिन कई मसाइल खड़े होते रहते हैं। हमारे मसाजिद में बहुत सारे मसले हैं, चूँकि सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया पाकिस्तान में या एशिया में जिस तरह पढ़ाते थे बच्चों को, वो तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ का तरीक़ाकार और है। काउंसिल ऑफ मास्क ब्रैडफोर्ड पुलिस चाइल्ड सेफ गार्डिंग और दीगर मुतअद्दद तंजीमों ने मिलकर ऐसे मदरसों के लिए एक लाहे अमल तैयार किया है, जिसके मुताबिक तमाम मदरसों को पाबंद किया जाएगा कि वो बच्चों की हिफाजत के लिए बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करें और कोई मुअल्लिम या कारकुन बिना रजिस्ट्रेशन के बच्चों की तालीम पर मामूर नहीं हो सकेगा। चूँकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है सेफ गार्डिंग के हवाले से बच्चों को तफस देना, तो वो हमारी जिम्मेदारी थी कि उन पर जो है काम किया जाए, जैसे कि बच्चों के साथ किस तरह बर्ताव करना है, ताकि बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करनी, उनको मारना नहीं है, उनको गाल गलोच नहीं देना। वालदैन पर भी जोर दिया गया कि वो अपनी जान छड़ाकर बच्चों को मसाजिद में डालकर बरेजुमा ना हो जाएं, बल्कि इन अदारों के साथ मुसलसल रबते में रहें, ताकि बच्चों के मामलात की सख्त निगरानी की जा सके। अंजुमीर जियो, ब्रैडफोर्ड, बरतानिया।